चल, देखो चला गया। बोल दिए तो चला गया नीचे। देखो गया, जल्दी नीचे नहीं जाता भाई, कभी हम नीचे इसको लेकर ही नहीं गए। तो देखो मेजर गया, देखो कि, और जैसे ही अगर रोड से मतलब ये व्हाइट वाला लाइन क्रॉस करता है इधर, जैसे देखा अभी इधर इधर झांक रहा था, उधर जाने के प्लानिंग में था, तो जैसे ही मतलब ये व्हाइट हुआ, आप लोग को मेरा कलुआ कैसा लगता है कमेंट करके बताना, ठीक है? अभी अभी हम अभी जहाँ जमीन बैठ जाएंगे मेरे गोद में आके बैठ जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। थंबनेल देख के समझ गए क्या सीन होने वाला है। तो जो एक भाई का कमेंट था ना कि आप अपने डॉग को कैसे वॉक कराते हैं, मतलब फ्रेश होने जब हम शाम को ले जाते हैं तो कैसे लेकर जाते हैं कि डॉग आपके कंट्रोल में रहता है प्लस बाहर फ्रेश होता है, मतलब बाहर फ्रेश होने से रिलेटेड जितना आप लोग का क्वेश्चन रहता है वो मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि अभी पापा है नहीं, ठीक है? और ये देखो मेजर जाने के लिए बेचैन है। शाम का टाइम हो गया, अभी टाइम बता रहे हैं, देखो उधर देखो 5:30 हो रहा है, टाइम अभी 5:30 हो रहा है भाई, ठीक है? तो मेजर का ये घूमने का समय है, तो मेजर परेशान है बाहर जाने के लिए। तो अभी सारे डिटेल्स दिखाएंगे, मेजर कैसे ले जाते हैं, कैसे वॉक कराते हैं, क्या क्या छोटी मोटी गलती आप लोग करते हैं, ठीक है, कि आपका डॉग ऐसा वर्क नहीं करता, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बेल आइकन को प्रेस करना। अभी देखो मेजर शाम के 5:30 हो गए, मेजर को बिल्कुल मतलब फ्रेश होने जाना है। अब देखना इसको खोलेंगे तो डायरेक्ट कैसे भागेगा सीधे, ठीक है? मतलब ये समझ गया कि हम इसको खोलने वाले हैं, ठीक है? देखो बस इसको खोलना है, सीधे देखना बाहर की तरफ भागेगा ये। रुक जा भाई, तनी खोल, अरे मरदे तनी रुक यार, गद्दारी कर बे। देखो वो गया सीधे बाहर फ्रेश होने। तो ये पहली पहली चीज तो गलती आप ये करो, उसको बाहर भी फ्रेश होने दो, क्योंकि अगर जब भी फ्रेश होना रहेगा तो सीधे बाहर जाएगा। बस अब इसकी एक्टिविटी देखते रहना, ठीक है? देखो अभी मैम ना सिक्कर लगा है, ना बेल्ट लगा है, ना हमने कुछ मतलब कुछ भी नहीं ले रखा है, बस मेजर को सामने देख लो, गाड़ी सब आ रही है जा रही है, ठीक है? अब मेजर समझ गया, अभी इसको फ्रेश होना है तो पहले टॉयलेट टॉयलेट होगा। अगर हम यहीं पे शांत रहेंगे, ठीक है, देखो अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम यहीं पर अगर ऐसे नॉर्मल खड़े रहें, ठीक है, अगर हम यहीं पर खड़े रहते हैं, देखो प्लस देखो कहाँ तक जाएगा मेरे पास में, अगर फ्रेश टॉयलेट होगा तो यहाँ पर टॉयलेट होगा, ठीक है? देखो अभी यहीं पर टॉयलेट करेगा, अगर हम जहाँ 10 कदम बस वहाँ तक बढ़े सीधे उधर पीछे जाएगा, देखना। देखो गाड़ी आ रही है लेकिन तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला जा। तो गाड़ी कितनी कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं तब भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे यहाँ से जाएगा नीचे, हम 1 कदम आएंगे, देखो टॉयलेट करने लगा, ठीक है, तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे नीचे जाएंगे, खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। देखो तो सबसे पहली गलती आप लोग ये करते हो ना भाई, कि अगर फ्रेश कराते हो तो वहीं पर चुपचाप खड़े रहने लगते हैं लोग, मोबाइल चलाने लगते हैं, तो आपका डॉग ना इरिटेट हो जाएगा। एक तो पूरे दिन घर में रहा है, फिर इतने घंटे तक या फिर बंधा हुआ है, तो अगर आप शाम के टाइम निकाल भी रहे हो तो बस बाहर निकाल के सोच रहे हो कि 2 मिनट में आपका डॉग फ्रेश होकर हम सीधे अंदर लेकर चले जाएं, तो ऐसा सीन नहीं है भाई, इसको घुमाते फिराते रहो। जिस कहने का सेंस है कि ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये मेरा घर है, ठीक है, ये पीछे का सीन और ये घर, तो ये जितना बाउंड्री देख रहे हो प्लस ये एरिया सब मेजर का है, तो इसमें आप वॉक करते रहो, ठीक है, टहलते रहो और पीछे भी। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे टहलते रहूँगा ना, जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ, ठीक, तो आप लोग गलती ये करो, आपके आपके कंट्रोल में डॉग रहे। देखो ये मेजर आगे जा रहा है, अभी वो हमको नहीं देख रहा है, ठीक है, अभी देख रहे हो आगे जाता जा रहा है, पीछे घूम के देखा ना, अब देखो हम 2 कदम पीछे आते हैं, तो फिर देखना वो आगे जाता है कि पीछे आता है, ठीक है? देखो हम पीछे जा रहे हैं, अभी हमको देख नहीं रहा है, देखें हम बोल रहे कि ऐसा ट्रिक, जैसे देखो बस मैंने 2-4 कदम पीछे आया, खुद मेरे पास आ गया। देखो अब हम चलते हैं आगे, तो देखना अब ये खुद आगे आएगा, देखो। तो ये ट्रीट करना भाई, अपने साथ साथ आप अपने डॉग को लेके घूमते रहो, मतलब ये नहीं कि एक जगह खड़े होकर लोग मोबाइल चलाने लगते हैं तो वो आपका डॉग बोर हो जाएगा, तो इधर उधर चला जाएगा, फिर आप बोलोगे फिर चिल्लाने लोगे, ठीक है? और अगर बाई चांस जैसे कि ये मेरा दायरा है, मैं चाहता हूँ कि ये 10 मीटर के रेंज में मेरा डॉग मेरे पास रहे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ उससे ऊपर ना जाए, ठीक है, जो ऊपर चढ़ने वाला है उससे ऊपर ना जाए। देखो मेजर तो खुद ब खुद नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन जैसे ही मैं अगर थोड़ा पास चला जाऊंगा, देखो फ्रेश होगा, वहाँ पे मूड बना रहा है वो फ्रेश होने का, कभी उसको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर हम 10 कदम आगे बढ़ जाएंगे तो मेजर ऊपर चढ़ा जाएगा, चल जाएगा, लेकिन उसको ऊपर नहीं जाने देंगे। अगर बाई चांस आपका डॉग ऊपर जाता है तो आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है कि आपका डॉग ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? देखते रहो कहाँ पर है अभी, अब वहाँ पर फ्रेश होगा, फ्रेश हो रहा है, ठीक है? अगर मैं चाहता तो वहाँ पर ही फ्रेश करा सकता था भाई, लेकिन शाम के टाइम आप अपने डॉग को लेकर निकले हो घर से बाहर, तो ऐसी गलती मत करो कि मतलब उसको 10 मीटर की जगह पे उसको फ्रेश होगा, तो ऐसा नहीं, बोर हो जाएगा। एक तो पूरे दिन घर में रहा है, पूरे दिन घर में इरिटेट हो जाते हैं डॉग, अगर शाम को घुमाते फिराते हो ना तो सही रहता है,
तो देखो ये पूरा दायरे मेजर घूमता है, देखो वहाँ पे आराम से फ्रेश हो रहा है। लेकिन अभी मैंने आप लोग दिखाया, अभी हम 10 कदम पीछे करेंगे तो मेजर मेरे पास आएगा। देखो खुद ब खुद मेरे पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास आ रहा है, अब 10 कदम आगे जाएंगे देखना फिर उधर घूम जाएगा। देखो घूम गया, इसको लग गया कि मालिक मेरे साथ आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे जा रहा है, अब हम ऊपर चढ़ेंगे तो सीधा ऊपर चढ़ जाएगा। अब ठीक है आगे जा रहा है ना, तो अब देखो मैं पीछे आता हूँ, देखना खुद मेरे पास आने लगेगा वो। हम पीछे आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। अब देखते हैं मेजर क्या करता है, अभी हमको देख नहीं रहा है, देखते रहो, ठीक है। देखो खुद ब खुद पास आने लगा मेरे। ये चीज़, ये सबसे बड़ी चीज़ है भाई, जो कि आप लोग गलती करते हो, नहीं ध्यान देते हो। ये चीज़ आपके कंट्रोल में कैसे रहेगा। देखो मैं आगे जाने लगा, खुद ब खुद आगे आ गया, तो हमको कभी सिक्कड़ बेल्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती भाई। स्टार्टिंग में थोड़ी हमको प्रॉब्लम हुआ, देख रेख करना पड़े, लेकिन अभी नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर आपको, आप अपने डॉग को ऐसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसे देखो मेजर उधर जा रहा है, जाने दो, अब इसको एक आवाज़ लगाएंगे। वहाँ पे गया, अरे चंचल, ठीक है। ये चीज़ तो आपको तेज़ आवाज़ में बोलना है कि मतलब अगर वो आपका डॉग आपके लिमिट से क्रॉस जा रहा है, ठीक है, कि मतलब आपके दायरे से बाहर अगर आपका डॉग जा रहा है तो सीधे उसको एक आवाज़ देना। जैसे देखो आ गया, ये चीज़, तो ये चीज़ जब आप आदत डालोगे ना भाई, तब आपका डॉग वैसा होगा। देखो अभी इसको नीचे लेकर जाएंगे, जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे तब तक ये नीचे नहीं जाएगा। अभी मैं चल नीचे, चल नीचे, चल, वो नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हम इसको लेकर जा, चला नीचे आ, नीचे आ, नीचे चल। देखो चला गया बोल दिए तो चला गया नीचे, देखो गया। जल्दी नीचे नहीं जाता भाई, कभी हम नीचे इसको लेकर ही नहीं गए। तो देखो मेजर गया, देखो कितना दूर, ठीक है। देखो अब इसको ऊपर बुलाएं, चल आ जा, अब आ जाएगा। तो ये चीज़ बस बेसिक चीज़ है भाई, बेसिक मतलब जितना आप लोग हार्ड लेकर चलते हो ना, मतलब लोग यूट्यूब पे सोचते हैं कि मैं अपने डॉग को फुल ट्रेंड कैसे करूं, मैं अपने डॉग को फुल ट्रेंड कैसे बना दूं, मतलब हर चीज़ बोलूं तो आपका डॉग वर्क करे वैसा सीखे सुन, ये सब बेसिक चीज़ है। बस इतना चीज़ आप अपने डॉग को रख लो ना, तो हमको लगता है कि सबसे बेस्ट आपका डॉग है। बाकी एग्रेसिव रहना चाहिए। अभी तो मैंने बताया ना भाई, अभी कल का काट लिया है, रिलेटिव से आए थे अंकल जी, उनको काट लिया, फिर फूफा जी को काट लिया था, फिर एक दोस्त को काट लिया था, फिर अभी मेरे सेल्समैन को काटे काटे पड़ गया लेकिन वो बच गया, ठीक है। तो ये मतलब कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया भाई, इसके चलते बहुत ज़्यादा डांट सुनने को मिली भाई साहब घर से, मतलब बहुत ज़्यादा, कि मतलब तुम्हारे चलते ये इतना आवारा हुआ है, पहले इतना आवारा नहीं था, तुम इतना फ्रीडम दे दियो इसलिए ये इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, ये सब ब्ला ब्ला सुनने को मिल रहा है। लेकिन एग्रेसिव तो घर में एग्रेसिव ही डॉग रखना चाहिए, लेकिन अब थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से काट लिया वो, ठीक है। तो अगर आप भी अपने डॉग को ऐसा ट्रेंड बनाना चाहते हो तो बस बेसिक चीज़ें ध्यान रखना, कि पहली बात की देखो, अब कुछ नहीं बोलूँगा, जा रहा हूँ, देखना वो खुद ब खुद मेरे पीछे पीछे आएगा। वो खुद मेरे पास आ जाएगा, हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखो सीधे जाते हैं, देखना वो खुद आ जाएगा मेरे पीछे, अभी वो नहीं देख रहा है हमको। देखो आ गया, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो इस सब चीज़ें अगर आपको अपने डॉग को सिखानी है तो सिंपली सी बात ये करना कि शाम को आपने डॉग को बाहर ही फ्रेश कराओ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, ठीक है। और अगर आपका डॉग घर में फ्रेश होता है, जब फ्रेश होने जाता है सीधे बोल दो उसको, डांट दो, वो नहीं होगा फ्रेश वहाँ पे, ठीक है। तो उसको सीधे उस टाइम बाहर लेकर जाओ, उसको टहलाओ, थोड़ा समय दो। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा भाई, ठीक है, कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन वही सेम चीज़ है कि जैसे आपका डॉग फुल ट्रेंड हो जाएगा बड़े होने के बाद, उसके बाद बिल्कुल आपके जुबान के हिसाब से चलेगा आपका डॉग। हमको कोई चीज़ की जरूरत नहीं, अब मैं आराम से इजिली ब्लॉग बना रहा हूँ, बस टहल रहा हूँ, मेजर मेरे आगे पीछे घूम रहा है, फ्रेश भी हो जा रहा है, बस जहाँ गलत करेगा वहाँ पे एक आवाज़ बोलूँगा, खुद ब खुद शांत हो जाएगा, छोड़ देगा। तो आपको अपने डॉग को वैसे फ्रेश कराना है बाहर, और जब देखो उधर गंदा में जा रहा है, चला नहीं आ, उधर गंदगी है नहीं जाने, देखो आ गया, इसको समझ में आ गया कि हम गलत बोले हैं, ठीक है। और एक चीज़ आप लोग याद रखना कि अपने डॉग, मतलब अपने डॉग के माइंड में अपना दो किस्म का आवाज़ रखना उसको, ठीक है। एक तो नॉर्मल आवाज़ में जो आपका डॉग बात सुन रहा है, ठीक है, तो मतलब हर टाइम अपने डॉग का चिल्लाया मत करो, ठीक है। मतलब दो आवाज़ अपने डॉग को रखो, एक तो नॉर्मल बोल रहे हो तो आपका डॉग कंट्रोल में है, लेकिन जब आपका डॉग एग्रेसिव रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं आता, तब आप अपना आवाज़ तेज में बोलो, फिर देखो आपका डॉग डर जाएगा। तो मेरे मेजर में दो किस्म का आवाज़ है, मतलब मैं इसको दो आवाज़ में बोलता हूँ। पहले तो ऐसे नॉर्मल बोलता हूँ, मेजर इधर आ, ये आ जाएगा, ठीक।
अब ये एग्रेसिव अगर रहेगा, किसी पर अटैक करता रहेगा और वही हम तेज आवाज़ में बोलेंगे तो भी ये कंट्रोल में रहेगा, ठीक है, तब भी ये कंट्रोल में रहेगा, नहीं जाएगा इधर उधर, मैं तुरंत मेरे पास आ जाएगा अगर हम तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो। तो जब आप अपने डॉग को टहलाने लेकर आ रहे हो, ठीक है, मैं आप अपने डॉग को यहाँ पे टहलाने लेकर आ गए, अब ठीक है, आप यहाँ पे मान लो सपोज दैट खड़े हो, डॉग आपके इतना दायरा, मान लो इतने कवरेज एरिया में, मतलब इतने दायरे में आपका डॉग रहना चाहिए आपके पास। तो अगर आपका डॉग ये लिमिट क्रॉस कर रहा है तो बस आपको ऐसे बोल रहे हैं, मेजर देखो कोई आ गया, आए हमको से लगा निपटाएगा। तो अगर आकर मतलब दायरा क्रॉस कर रहा, अभी देखो इधर से ले जाते टाइम ना, इधर हाईवे से लेकर जाएंगे तब भी आप लोगों को दिखाएंगे मेजर क्या है, कि आराम से जाता है कि नहीं रोड पे, यहाँ से और वहाँ तक घर का डिस्टेंस रोड पर ही इसको लेकर जाएंगे। तो अगर आपका डॉग आपके लिमिट से क्रॉस जाए तो धीरे आवाज़ में बोलो मेजर, वो खुद आए, देखो मैंने बोल दिया, आप लोगों को बताने के चक्कर मैंने बोल दिया तो आ गया, तो बस आप लोग धीरे से बोल रहे मेजर, आपका जो भी डॉग का नाम है, तो वो खुद आपके पास चला आएगा। या फिर अगर किसी को देखे, जैसे मान लो अभी कहीं बकरी वकरी देख लिया, किसी को लखेद लिया, किसी पर अटैक, तो तेज आवाज़ में बोलो तो आपका डॉग रुक जाएगा, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये नॉर्मल चीज़ है भाई, बस आपको इस चीज़ों की आदत डालनी है, आपका भी डॉग आपके कंट्रोल में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ठीक है। बस मैंने इस चीज़ का आदत डाला है तब मेजर ऐसा हुआ है, जबकि मेजर को तो मैंने एडल्ट ऐसे ही खरीद के लाया था, मेजर को तो कुछ भी हवा नहीं लगता था, इसको खाना देने में मेरी हवा, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाई, क्या एक्सपीरियंस था, तो कुछ चीज़ें मैंने सही कर ली बहुत जल्दी। देखो कैसे देख रहा है इधर सामने बकरी, देखो सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, इसको देखो कैसे देख रहा है, खा जाए कबो कुछ आवारा हो गया, चल भाई देखो आपका डॉग फ्रेश हो लिया, हम इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा भी दिए, अभी शॉप पे जाना नहीं तो हम इसको ज़्यादा घुमाते फिराते आराम से, अभी इसको लेके सीधे निकलेंगे घर पे, ठीक है। तो अभी देखो हाईवे से लेकर जाएंगे, वहाँ पे आप लोग खुद देख लेना, ना इसको सिक्कड़ लगाएं ना कुछ, बस ऐसे नॉर्मली हम वॉक करते रहेंगे, बस जहाँ पे गलती करेगा एक आवाज़ बोलेंगे साइड होने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे नहीं जाता है, रोड पे जाता है, लेकिन एक आवाज़ देंगे तो खुद ब खुद साइड हो जाएगा। तो आप लोग खुद देखते रहना मेजर रोड पे कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। तो हम मेजर को पप्पी पे नहीं भाई, बड़े पे हम इतना सब सिखा दिए, तो आपका डॉग तो पप्पी से आप इजीली सिखा लोगे। देखो उधर पीछे है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस हम आगे चलते रहेंगे, वो खुद आ जाएगा। देखो अब रोड देखो, ये देखो रोड नेशनल हाईवे NH31, अब देखो साइड में, देखो साइड में चुपचाप चल रहा है, अब मेरे साथ ऐसा चलता रहेगा, दो चार कदम आगे पीछे ऐसे होता रहेगा, खुद ब खुद साइड में चलेगा, ठीक है। और जैसे ही अगर रोड से मतलब ये वाइट वाला लाइन क्रॉस करता है, इधर जाओ, जैसे देखा अभी इधर झांक रहा था, उधर जाने के प्लानिंग में था, तो जैसे ही मतलब ये वाइट वाली पट्टी क्रॉस करता है ना, एक आवाज़ देंगे सीधा अपने लिमिट में आ जाएगा, मतलब कभी कभी होता है उधर कुछ देख लेगा ना, तो हम ये वाइट वाली पट्टी को मान के चलते हैं कि अगर इससे उधर देखने का इशारा कर रहा है, जाने का एक्टिविटी कर रहा है, एक आवाज़ देंगे खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अभी देखो मैं नॉर्मली आराम से वॉक करते जा रहा हूँ, ये भी वॉक करते जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, और हमको सबसे अच्छी चीज़ें यही लगती है कि आप अपने डॉग को इजीली लेकर घूम रहे हो, वॉक कर रहे हो, ठीक है, हमको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम आराम से इजीली अपने डॉग को लेकर आए, इधर गए देखो इधर पूरे एरिया में वॉक कराए, फ्रेश भी हो लिया, घूम भी लिया, फिर भी लिया। अब देखो यहाँ से एक बोलेंगे आवाज़, चल अंदर चल, अरे अंदर चल, गया। अब देखना वहाँ से आके खुद ब खुद झाँकेगा, हम अंदर नहीं गए ना, देखना वो झाँकेगा, वो आएगा पक्का आएगा, क्योंकि हम मेरे साथ वो रहना चाहता है और हम ना रहें तो वो परेशान हो जाएगा। देख रहा हूँ, बोले थे ना हमको पता था भाई कि वो आ गया, झाँक रहा है, देखो अब एक इशारा देंगे ना तो आ जाएगा, बस एक बार बोलने की देर है तो आ जाएगा, देखना अभी वो चुपचाप गेट पे खड़ा है ना, अभी नहीं आ रहा है, चला देख रहे हो। तो भाई आप भी अपने डॉग को ऐसे ट्रीट कर सकते हो यार, बहुत ईजी है, ज़्यादा टेंशन मत, मैं बोलूँ ना अपने चीज़ों को रिपीट करो, आप कभी देखो फिर अंदर चला, अंदर चल, अरे कलुआ चल अंदर चल, फिर अंदर जाके फिर आके झांकेगा, देखते रहना, देखो फिर नहीं पसंद है भाई, ये मेरे साथ रहना चाहता है, देखना अब इसको बुलाएंगे तो आएगा, देखो नहीं आ रहा है, गेट पर खड़ा है ना, चला। तो भाई साहब आप भी अपने डॉग को इजी ऐसे ट्रेन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप अपनी चीज़ों को रिपीट रखो, ठीक है, आपका डॉग पप्पीज है, इतना जल्दी समझदार नहीं हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा अपने डॉग को समय दो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, खुद ब खुद वो आपको समझेगा, आप उसको समझोगे, चल अंदर चल,
थोड़ा समय लगेगा लेकिन 100% आपका भी डॉग वैसा हो जाएगा जैसा आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो अब अभी आपने तो मेजर को देख लिया, तो भाई मैंने मेजर को एक साल पे खरीद के लाया था बड़े होने पे, प्लस ये इतना एग्रेसिव, मतलब इसको एग्रेसिव नहीं था उस टाइम, इसको सीढ़ी पे चढ़ने नहीं आता था। ठीक है, मतलब ये सीढ़ी पे तक चढ़ ही नहीं पाता था, ऐसा था मेजर, मतलब जहाँ पे रहता था वहाँ पर छत वगैरह नहीं था, तो इसको सीढ़ी पे चढ़ने नहीं आता, खींच के चढ़ाना पड़ता था। तो अभी सीढ़ी पे देखोगे ना चार चार सीढ़ी फांदता है भाई। तो मेरे कहने का सेंस ये कि मैं जब इतना मेजर को बदल सकता हूँ, ठीक है मेजर, जब मैं इसके अंदर इतना सब चीज़ें बदल सकता हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं बदल सकते हो भाई। आपका तो डॉग पप्पी से अच्छे से ट्रेंड कर सकते हो, इससे भी अच्छा ट्रेंड हो सकता है, इससे भी अच्छा ट्रीट कर सकते हो उसके साथ। तो बस आप अपने डॉग बस रिपीट रखो सेम चीज़, जो चीज़ आप सिखाना चाहते हो वो चीज़ अपने डॉग के साथ रिपीट रखो। इंसान तो है नहीं कि नहीं सीखा तो मार दोगे। अभी देखना एक चुटकी बजाएंगे मेरे हाथ के पास आ जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब थोड़ा समय तो दिए हैं इसको सिखाने में, ट्रीट कैसे ट्रेंड करने में, बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताना भाई साहब कि आप लोगों को मेरा कलुआ कैसा लगता है, कमेंट करके बताना। ठीक है, अभी हम जहाँ जमीन बैठ जाएंगे मेरे गोद में आके बैठ जाएगा। तो कमेंट करके बताना भाई साहब वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और आप भी अपने डॉग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो बेशक कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा सॉल्यूशन। और जैसा मैंने चीज़ बताया वो भी आप अपने डॉग के साथ ऐसा ट्रीट करो, 100% आपका डॉग ऐसा हो जाएगा, लिख के ले लो। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ना एकदम, मैं वैसे ट्रीट किया हूँ, मेरे पास मैंने कोई डॉक्टर से सलाह नहीं लिया, ना ही कोई मैंने दवा वगैरह चीज़ खिलाया, नॉर्मल चीज़ खाता है मेजर। ठीक है, होम मेड डाइट प्लान, बस चिकन चाव लेग रोटी, ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो चिकन चाव लेग रोटी खाता है, और प्लस नॉर्मल चीज़ें ऐसे ट्रीट, दवा दारू से एकदम दूर है, मस्त। ठीक है, देखो ठीक भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। और नेक्स्ट रेट अगर इसमें भी कोई टॉपिक्स अगर आप लोग की फंसती है कि नहीं है कि भाई हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या फिर ये चीज़ प्रॉपर आप बताओ कि ये वाला चीज़ आपने कैसे सिखाया, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी।